क्या आपको पता है माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पे इतने लंबे समय से किसका इंतजार कर रही है और इसका कलयुग में होने वाले कल की अवतार से क्या नाता है? अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कुछ भी वीडियोस नेक्स्ट अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिले। एक ये कहानी तब की है जब भगवान विष्णु श्री राम के अवतार में थे, तो माता वैष्णवी उनसे तब मिली थी। तो उन्होंने माता वैष्णवी ने श्री राम से पूछा, तो माता वैष्णवी ने जब श्री राम को अपनाने के लिए कहा तो राम जी ने कहा कि इस अवतार में हम तुमको स्वीकार नहीं कर सकते हैं देवी, जिसमें तुम चाहती हो। तब माँ वैष्णो देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके वियोग में अकेली कैसे रह पाऊंगी। तब राम जी ने कहा, तुम महाशक्ति हो वैष्णवी, धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अपना अवतार लिया है। जाओ हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर जाकर अपने धर्म की ज्योति जलाओ, और जहाँ एक सुरंग गुफा में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली विराजमान हैं, वहाँ तुम वैष्णवी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। सारे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम अमर हो जाओगी। तब माँ वैष्णो ने कहा कि यानी कि युगों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। तब राम जी ने कहा कि मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर विराजो। तब माँ वैष्णो देवी ने कहा कि जो यह आज्ञा स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं वैष्णो धाम की महिमा बढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु के वैष्णवी के रूप में लोगों को भक्ति की शक्ति प्रकट करूंगी। तब से माँ वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पे विराजमान है और कल की अवतार का होने का इंतजार कर रही है। जब कल की अवतार होगा भगवान विष्णु का, तब उसके बाद दोनों का मिलन होगा। तब ये भगवान विष्णु और वैष्णवी का मिलन एक नई गाथा लिखेगा।